गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रेष्ठ व्यक्तियों का आचरण कीजिए कि कैसे महान आत्माएं जीवन जीती हैं, कैसे सिद्ध पुरुष जीवन जीते हैं, हमारे ऋषि मुनि कैसे जीवन जीते थे, कैसे हमारे गुरु जीवन जीते हैं, उनका व्यवहार, उनका चलना, उठना, बोलना, उनका किसी चीज़ में कैसे वो रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, उन सब चीज़ों का वो जो व्यवहार है, वो जो आचरण है, उसे अपनी ज़िंदगी में लेकर आइए। वो आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भरेगा। जब हम देखते हैं कि गुरुजन जो हैं दूसरों के लिए त्याग की भावना से भरते हैं, दूसरों का भला करते हैं और दूसरे की खुशी में खुश हो जाते हैं, अगर हम ये करना शुरू हो जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आनी शुरू होती हैं। लोग सोचते हैं अपना स्वार्थ पूरा हो जाए, हम धन कमा लें, हमारे पास चीज़ें आ जाएं तो बहुत हम खुश हो जाएंगे। लेकिन जब हम दूसरे के लिए कुछ करते हैं, थोड़ा सा भी हमने कर दिया, जैसे माँ अपने बेटे के लिए जब कुछ करती है तो कितनी खुश होती है, कितना उसको अच्छा लगता है। ऐसे ही कभी किसी के लिए कुछ करके देखिए, फिर जो आपको शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी, वो खुशी तो पैसे दे के भी आपको नहीं मिल सकती। तो सेवा का भाव अपनाइए। गुरुजन जब सेवा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो ऐसा नहीं सिर्फ लोगों को ही खुशी मिलती है, उनकी खुशी देखकर उन्हें जो अनंत गुना खुशी मिलती है, वो खुशियाँ तो एक अलग ही लेवल की होती है, वो आनंद अलग ही लेवल का होता है। तो आप भी इसका प्रयास करके देखिए। इसे निष्काम कर्म कहा गया है गीता में, कि बदले में मुझे क्या मिलेगा, मुझे नहीं चाहिए, मैंने उसकी मदद की थी।